पवन सिंह वाला फिल्म देखने जाइए हम हम कला देखे जाएंगे का है हम हम कला के है सदन में पहुंचने वाला पवन सिंह सदन पहले भोजपुरी का आइकॉन बन चुके हैं एक ब्रांड हो चुके हैं वो भोजपुरी क्या के बात करते सब आइकॉन होता है भोजपुरी के खाली खेसारिये है गजब आपका गाना उठा करके कर देखिए तो पवन सिंह का सबसे ज्यादा गाना बज रहा है आपका ना खाली खेसारिये का है सब कुछ आईकॉन हिल गया थिएटर गए थे देखने हम गए हमको टिकटे कहाँ हम मिला हाउसफुल हो गया ए, खाली ढिढोरा पीट थे आप बाहर आज कर, कर दिए बाहर गए होंगे और लेट से पहुंचे टिकट नहीं मिला टिकटे नहीं मिला फिर टिक... का। पर, पर चले वाला गरीब फॉर्चूनर पे मेहनत से चढ़े हैं पसीना बहा है खून बहा है तब फॉर्चूनर पे चढ़े हैं कोनो विरासत में नहीं मिला है पवन सिंह को विरासत में मिला गजब बात करते हैं अनुनाल सिंह जी हुआ करते थे

कुछो बोलते हैं अभी ये है प्रमोशन कर रहे थे सारा आप के पर आरोप लगता है ना आरोप लगाया वाला तो कुछो लगा देगा तो क्या कीजिएगा बेचारा गरीब का लेकिन पर कोई भी आरोप लगाया जाता है खेसारी लाल गरीब का ला... लड़का खेसारी लाल विनर पचेले वाला गरीब भोजपुरी के दो बड़े दिग्गज स्टार एक पवन सिंह और दूसरे खेसारी लाल यादव दोनों आदमी का एक ही दिन फिल्म रिलीज होता है एक का नाम संघर्ष टू और दूसरे का नाम हर हर गंगे ये दोनों फिल्म रिलीज होता है लेकिन आंकड़ा ये आता है कि खेसारी लाल यादव का जो फिल्म है वो एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ देता है भोजपुरी इंडस्ट्री का एक दिन में एक करोड़ लगभग रुपया कमा लेता है पहले दिन के जो कलेक्शन है वो ये भोजपुरी में अब तक नहीं हुआ था और ये हो गया है ये खेसारी लाल यादव ने उपलब्धि हासिल कर लिया है हमारे साथ में संतोष रेणु यादव है संतोष जी से जानते हैं कि भोजपुरी कलाकार ये खुद है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा उपलब्धि खेसारी लाल यादव हासिल किए हैं कैसे देख रहे हैं देखिए स्ट्रगल इज लाइफ जो संघर्ष करेगा वो किसी भी उपलब्धि को पा सकता है तो संघर्ष करना पड़ेगा खेसारी लाल यादव जी ने लिट्टी चोखा बेच करके हुँ. और यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है और बिल्कुल वो डेडिकेशन वो जो उनका जो एक हम कहें कि जैसे अर्जुन का जो तीर जो होता है वो बिल्कुल मछली के आँख पे होता है बिल्कुल खेसार लाल यादव अपना जो फोकस अपने उस जगह पे टिकाए हुए थे जहाँ पे सफलता लिखी हुई थी जहाँ पे इतिहास लिखा जाता है वो तमाम चीज़ें खेसर लल यादव जी ने अपने खून पसीने से सींचा है उन बंजर ज़मीन को जिस बंजर ज़मीन को अब अब लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और जिसको बहुत सारे लोग उस बंजर ज़मीन पे फुहारा भी नहीं मार पा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं वहाँ तो बहुत सारे लोग मेहनत करें भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह भी बहुत अच्छा अच्छा गाना दिए पवन सिंह बहुत अच्छा अच्छा फिल्म दिए नहीं चल रहा है किस्मत उनका मजबूत है हो सकता है ये बातें ये तो बातें नहीं है कि संतोष रेणु यादव पवन सिंह ये सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं देखिए कहने का मतलब आपने जो कहा कि किस्मत बड़ा मजबूत है उनका भाग्य जो होती है ना वो सेकेंडरी चीज़ होती है सबसे पहले आपकी मेहनत काम आती है कर्म सबसे पहले आपको कर्म करना होता है तो कर्म खेसार लाल यादव ने किया है और बहुत कुछ दुख सहा उपहास सहा हर कुछ सहा तब आज जाकर खेसर लाल यादव एक भोजपुरी का आइकॉन बन चुके हैं एक ब्रांड हो चुके हैं वो भोजपुरी के बात करते सब आइकॉन होता है भोजपुरी के खाली खेसारी है गजब आप कह रहे हैं तो सब आइकॉन होता था तो कहे नहीं एक दिन में एक करोड़ कमा के दिखा दिया सब दिखावे तब न जानेंगे एक करोड़ रुपये कमाना एक आइकॉन का काम हो गया गजब करें तो फिर कैसे मैंने कैसे लोग मैंने कहेगा कि फलना है चाहे फलना है हम तो भोजपुरी में आईकॉन हम खेसार लाल यादव जी को मानते हैं फिर गाना उठा करके देखिए तो पवन सिंह का सबसे ज़्यादा गाना बज रहा है आप कह रहे हैं कि खाली खेसारिये का है सब कुछ आईकॉन फिर मेगा स्टार खेसारी जी को ही कहा जाएगा ना गायक है पवन सिंह पवन सिंह गायक है गाना बज रहा है गायक है, है। भाई अगर मेगा स्टार की हम बात करेंगे भोजपुरी का सेलिब्रिटी की बात करेंगे रियल सेलिब्रिटी की बात करें तब तो खेसारी लाल यादव ही हैं पहले कुणाल सिंह जी हुआ करते थे तो है ना नासिर नुसर साहब हुआ करते थे उसके बाद दिनेश लाल यादव जी हुए उसके बाद लाल यादव जी पवन सिंह का नाम कहीं नहीं आया गजब बात करते हैं जिम है किया उसका ना नाम पॉप गाना आया फिल्म का बात कीजिएगा तो एक से बढ़ के एक उनका डायलॉग है आज भी कहीं भी नाच होता है गाँव में तो वहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा पवन सिंह का डायलॉग पे लोग नाचता है डांस करता है डायलॉग ये डिस्प्ले करता है हाँ तो नाचानिए में बजेगा वो खेसारी जी रिकॉर्ड बनाते हैं सिनेमा हॉल थिएटर में गूंजते हैं खेसारी जी खेसारी जी का डायलॉग बेटा भाग्य से होता है तो बेटियां सौभाग्य से होती है जब बोले ना तो पूरा क्लैपिंग से भर गया हिल गया थिएटर गए थे देखने हम गए हमको टिकटे कहाँ मिला हाउसफुल हो गया ए, खाली पीट पीटते आप बाहर आवाज कर दिए बाहर गए होंगे लेट से पहुंचे टिकट नहीं मिला टिकटे नहीं मिला कहाँ था हॉल हाउसफुल था तो पैसा खाली खेसारी अपना लग कर दिए होंगे गजब आप कर आप गजब कर रहे हैं हाँ। पवन सिंह हो रहे हैं, हैं। पवन सिंह हो रहे हैं तो फिर अपना भीड़ कर खरीदल भीड़ भाजपा के पास होता है ठीक है खेसारियों के पास पीआर टीम है हम हाँ आपको बता तो रहे हैं कि खरीदल भी जो भीड़ होता है ना भाजपा के पास होता है भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह है भाजपा के नक्शल कदम पर चलते हुए खरदल जाकर के दर्शक पहुंचाते हैं वो खेसारी लाल के पास अपना चाहने वाले लोग होते हैं कोई चाहने वाला नहीं होता सबको पैसा देते हैं उनके टीम के लोग आप देते हुए देखे नहीं आप देते हुए फॉर्चुनर पे मेहनत से चढ़े हैं पसीना बहा है खून तो तो है तब फॉर्चुनर पर चढ़े हैं कोनो विरासत में नहीं मिला है पवन सिंह को विरासत में मिला गजब बात करते हैं अरे हाँ। पवन सिंह के काउची मिला कौची नहीं मिला तो अपन संभाले ना पहले जाकर उन्हें कोर्ट कचहरी संभागे पहले थिएटर संभालेगा मार दे स... स... लोग ना कोर्ट कचहरी जाता है जी वाह हिम्मत बा, वाला बा, लोग कोर्ट कचहरी लालू जी जाते हैं कोर्ट कचहरी तो देखते ना हिम्मत वाला लोग जाता है तो तुमने मेहरा से लड़के कड़के केक से लड़के ऊ तो मनुवादी सामंतवादी से लड़के लालू जी जे तो फिर ये समाज के लिए गए क्या जो छिपल है मत कहवा खेसारी लाल के ऊपर भी तो है जी जमीन को लेकर के केस चलता है क्या क्या तो, उनके तो संपत्ति बना उन... रहे हैं ना जी बर्बाद थोड़े कर रहे हैं बना रहे हैं ये ये थोड़े है कि मार्केट एकदम टाइट हो गया अच्छा खेसारी के ऊपर में इतना आरोप लगा खेसारी को इतना लोग डुबाने का कोशिश किया फिर भी वो बंदा हारता नहीं इतना एनर्जी कहाँ से आता होगा एनर्जी हाँ, आपके जैसा आदमी भी बराबर डांटते रहता है खेसारी लाल यादव को तो, तो उसे भाई भाई है पटको पटकी हाँ, करेंगे फिर कहते हैं है। फिर कहते हैं स्टैंड क्लियर ना न अरे भाई भाई है जिससे कखनियों पटको पटकी हो जाएगा इसे क्या कि, मैंने कोई दूसरा कोई क्या बोल देगा से, अरे तो कभी भी हम लोग ताकत अजमाते है ताकत अजमाते हैं हाँ की जो बोडिया वोटिया बनाए है ताकत है की नहीं तो वो हमारे हाँ तो मैंने चेक करना है ना तो हम लोग अपने में जे कर ले दो आवेगा तो मारलाटी गिरा देंगे हमने सब दो का है आ गया जहाँ सिस्टम खत्म दो का कौन आता है आप लोग का वही सब जो खेसारी जी को बर्बाद करना चाहता है वो सब आओ बर् आओ कौन आओ वही सब सामंतवादी लोग है आप इसे करे वही पवन सिंह की टीम आओगा इनके भी टीमों में तो है ना कहा विवेक सिंह हट गया अब हाटे की तैयारी पर है कुछ बोलते हैं अभी ये है प्रमोशन कर करेगा नहीं प्रमोशन करबे कर करेगा प्रमोशन कहा नहीं करेगा अच्छा फिल्म बना है तो सब प्रमोशन करेगा अच्छा फिल्म बना है ना पवन सिंह वाला फिल्म देखने जाइए हम हम कला देखे जाएंगे का है? हम हम कला पूरी के स्टार है फिर सदन में पहुँचने वाला है पवन सिंह सदन